ओके बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज द प्रिंसिपल क्लियर है बच्चों नेम से ही पता चल रहा है कि अभी तक क्या डील किए हैं बच्चों इफ यू आर रिमेम्बरिंग हम आप लोग के साथ अभी बायो फोर्स डिटेल डिस्कशन किए ठीक है कि कब ऑब्जेक्ट जो है किसी लिक्विड में सिंक कर जाता है कब ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में क्या होता है फ्लॉट करता है ये सारी कंडीशन हमने डिस्कशन कर लिया कैसे इस पर इसका जो है डेंसिटी पे जो है डिपेंडेंसी होता है ये सारे डिस्कशन कर लिए अब देखते हैं Archimedes का प्रिंसिपल इन्होंने क्या बात बताई वो हम देखते हैं नाउ यू कैन सी ओवर हियर इट स्टेट दैट व्हाट कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शियली क्या कर रहे हो आपको आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो एंड यू आर फुल्ली आप या तो आधे रूप से मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शंस बच्चे लिक्विड से बाहर है और कुछ अंदर है और यू कैन इमर्ज फुल्ली दैट मीन वॉट पूरी तरीका से आप उसको क्या किए वॉटर के अंदर डाल दिए हो इट एक्सपीरियंस अ अपवॉर्ड फोर्सेस क्या होता है बच्चों हमने एक बताए थे आपको आप जब किसी बकेट को आप क्या करते हो किसी वॉटर में आप किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो तो आप क्या होता है वेटलेस महसूस होता है वाई बिकॉज इट एक्सपीरियंस ए अपवॉर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई इट यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर के का जिन्होंने ये बताया था और जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय आप जो ऑब्जेक्ट हो यू आर इमर्जिंग ऑब्जेक्ट ना यू आर इमर्जिंग एन ऑब्जेक्ट व्हाट इन इनटू लिक्विड जब आप लिक्विड इमर्ज कर रहे थे व्हाट या तो आप फुल्ली कर रहे हो या फिर पार्शियली कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वह उसको डुबाने से कुछ वाटर या कुछ लिक्विड क्या होता है डिस्प्लेस्ड हो जाता है सिंपल सी बात है बच्चों एक कहीं जगह पर आप जा रहे हो लेट्स सपोज आप कहीं मार्केट जा रहे हो ऑलरेडी क्राउड है वहां पे इफ यू वांट टू इंटर दैट प्लेस तो आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए जगह तो वहां बनाना पड़ेगा तो लेटस सपोज यहां पर एक कंटेनर है बच्चों लेटस सपोज दिस इज A container that we have, okay, and this is full. Let us suppose you fully have filled ha with water. This content is fully filled with water. Is it clear to everyone? Now, what you want you want to emerge a ball inside this container. You want to emerge what a ball, or you can say an object inside this container. तो क्या होगा बच्चों क्या होगा जैसे चूंकि ये फुल्ली भरा हुआ है पानी से तो ऑब्वियसली सी बात है बच्चों क्या होगा जैसे ही आप इसमें जाएगा तो वो एक स्पेस तो लेगा तो वो स्पेस बनाएगा लेट सपोज यदि आप यहां पर लेके आ रहे हो तो ये स्पेस बनाया तो इतने स्पेस के इतने वॉल्यूम की जो वाटर है वो क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेस हो जाएगा तो आर्किमिडीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात था उन्होंने कहा कि द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड इट ये क्या होता है वह इक्वल होता है किसका फोर्स का यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था इसका क्लियर है बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नाउ यू कैन सी यू वही बच्चों एक इमेज है हम क्या के एक वेइंग मशीन या कुछ किसी से भी एक ब्लॉक को हम इमर्ज कर रहे हैं ठीक है यहां तक वॉटर फूल है व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जैसे जैसे ये ब्लॉक डॉनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यहां से लिक्विड फ्लो करेगा बच्चों ठीक है तो ये क्या होगा अब यदि ये पूरी तरीका से मान के चलो बच्चों यहां पर चला जाए ब्लॉक ये पूरी ब्लॉक यहां पर चला गया तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर कुछ ना कुछ लिक्विड लिक्विड आ गया इस का जो वेट होता है, बच्चों, है। here, ना बच्चों इज इक्वल कारण ये बॉल किधर जा रहा था बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था विध एम जी एवरी वन यू नो ठीक है एम जी और जैसे ही इसको अंदर जा रहा था तो एक एक्सपीरियंस कर रहा था जो थ्रस्ट फोर्स था जो कि बायोन फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी कभी-कभी कहते हैं, ठीक है तो दिस इज द फोर्स में जो ये ऑब्जेक्ट फील कर रहा था बच्चों तो यही था यदि यहां पर सिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो एमजी है एम जी दैट इज ग्रेटर फोर्स इन सच वो क्या हो जाएगा बॉल सिंक हो जाएगा ये क्लियर है और सिंक होने के बाद जो वाटर की डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों उसका जो वेट होगा दैट शुड बी इक्वल टू वॉट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों ये बायोड फोर्स के बाद होप इट इज क्लियर टू एवरी कोई डाउट यहां तक चलो आगे देखते हैं आर सम शन ऑफ आर्मेडिज प्रिंसिपल हम बच्चों यहां पर डिटेल डिस्कशन आपको नहीं करते हैं आप हायर क्लास में जाओगे तो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस होता है अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पे इस पे बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं आप जब एलेवेंथ में जाओगे वहां पर फ्लूड हमको पढ़ना होता है तो वहां पर एक डिटेल पढ़ोगे हम आपको यहां पर जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वेयर यू कैन अप्लाई द आर्मेडिज प्रिंसिपल ओके बच्चों आप सबसे अच्छा तो आप देखे होंगे कि यदि मूवी वगैरह देखते हो ना हम आपको बात करते हैं देखो यहां पर इट इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटांस आप जिस सब्सटांस को आप इमर्ज कर रहे हैं तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल तो यहां पर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑफ दैट ऑब्जेक्ट तो आपको क्या करना विद द हेल्प ऑफ आर्क्य प्रिंसिपल यू आर एबल टू कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वै टेक दैट बॉल एंड एंड दैट ऑब्जेक्ट जस्ट यू नीड टू इमर्ज आप जानते हो जैसे ही लिक्विड में इमर्ज करेंगे टेक द वाटर बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करें तो हम रिफरेंस किसको लेके चलते हैं वाटर की बच्चों तो हम क्या करते हैं जैसे ही उसको आ, इमर्ज करेंगे तो यू नो द ना कि वो क्या करेगा वाटर को डिस्प्लेस करेगा एंड यू नो दिस वाटर इज इक्वल टू जैसे ही वहां पर इक्वल करेंगे बच्चों हम तो वहां से हम एबल हो जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज

कि सबमरीन जो होता है कि वो वाटर में उसकी थोड़ी सी पोर्शन तो जरूर रहता है अंदर लेकिन वो डूबता नहीं है जबकि उतने सारे वेट उस पर लेकिन उसके बॉटम पार्ट को देखना वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है बच्चों ठीक तो है तो ये एक्चुअली यदि क्या कहे तो ये अप्लीकेशन ऑफ आर्कीमिटीज प्रिंसिपल है इतना क्लियर है बच्चों चलो तो हम सेकेंड थर्ड वन देखते हैं जो हाइड्रोमीटर होता है बच्चों है,

कैन अप्लाई आर्क्योम प्रिंसिपल स्पेस और कहां कहां कर सकते हैं हम आपको डिस्कस किए सम द्लिकेशन ओके बच्चों तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव uh, डेंसिटी uh, so, क्या है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी तो देखते हैं बच्चों रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है हमने आपको बताया ना कि रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड हम बात पढ़ेंगे नॉ यू कैन सी ओवा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी नाउ यू कैन सी ओवर हियर द सिंपल डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी इट ऑफ टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी समझ गए बच्चों क्या कर रहे हैं इट इज द रेशियो किसका रेशियो है द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वॉट वॉटर ठीक है सो दिस इज द रेशियो दिस इज द रेशियो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दबस्टांस एंड एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वॉटर सो बच्चों क्या देख रहे हो यहां पर रिलेटिव टर्म आता है ना दैट मीन वॉट आपका पास एक कोई रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो तो यहां किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो बेटा वॉटर के रिस्पेक्ट में यहां तक क्लियर है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी पता हो तो इतना तक क्लियर है नाउ यू कैन सी ओवर द रिलेटिव डेंसिटी ये क्या है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों तो आप देखो मैं, हमने आपको डिस्कस कर लिया था तो मैथमेटिकली द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर

इट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू डेंसिटी ऑफ़ वॉटर तो एंड नोम के जी पर मीटर क्यों देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये कैसे होगा रिलेटिव डेंसिटी आप लोग जानते हैं क्या चीज बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे जानते हो देखो रिलेटिव डेंसिटी ठीक है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ सबस्ट तो हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेट सपोज और डेंसिटी ऑफ ओके ये क्या हो जाएगा बच्चों के जी मास बाय वॉल्यूम होगा था ना मेटर क्यूब डिवाइडेड बाय के जी मेटर क्यूब तो बच्चों क्या होगा यहां से तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप क्लियरली यहां से कह सकते हो कि क्या चीज है देयर इज नो यूनिट किसका रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों तो होप इट इज क्लियर ना अब कोई दिक्कत है यहां तक चलो अब हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करते हैं डेंसिटी पे रिलेटिव डेंसिटी पे बच्चों क्योंकि डेंसिटी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो रिलेटिव डेंसिटी पे हमने आपको बताया ना कि हम क्या कर सकते हैं आपको रिलेटिव डेंसिटी दे करके हम आपको क्या पूछ ले डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देकर के डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ लेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड देकर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना ठीक है तो आप देखो एक सिंपल सी क्वेश्चन है क्या चीज कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9.3 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज व्हाट 19.3 है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 103 यहां पर कितना है 103 केजी पर मीटर क्यूब व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन केजी पर मीटर क्यूब बच्चों ये यहां पर मिस्टेक है एक्चुअल में ये 10 टू द थर्ड होगा एक्चुअल में बच्चों ये पावर थर्ड के जी पर मीटर ओके बच्चों? सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन के जी पर मीटर क्यू तो बच्चों क्या है? Of, देखो, ये हो गया। तो आप जानते हो ना सीधा यहां पर लगा दोन क्या है बच्चों पहले आप लिख लो आपके पास गिवेन क्या है क्या सब क्वेश्चन में गिवेन दिया है तो आपके पास गिवेन है क्या चीज डेंस देन्स, रिलेटिव डेंसिटी आपको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चों नाइनटीन पॉइंट थ्री और आपको डेंसिटी ऑफ आप वाटर दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर यू कैन से दिस इज टेन टू दावर थ्री के जी पर मीटर क्यूब तो आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ गोल्ड डेंसिटी ऑफ गोल्ड तो ये आपको अननोन है बच्चों इसको फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट डेंसिटी ऑफ गोल्ड ठीक है और डेंसिटी ऑफ़ वाटर, यू नो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी हाउ मच बच्चों? यहां से देख लो 19.3, सो दिस इज 19.3, पॉइंट थ्री दैट विल बी इक्वल टू वॉट डेंसिटी ऑफ गोल्ड ये तो हमको फाइंड आउट ही करना है बच्चों और हमको क्या दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ 10 है टेन टू दी पावर थ्री ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है कोई कोई डाउट यहां तक तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है बच्चों यहां पर डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है आप लिख सकते हो नाइनटीन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री यहां से हो जाएगा के जी पर मैटर सो दिस इज योर आंसर यहां तक क्लियर है बच्चों कोई डॉट टेल मी कोई डॉट तो होप इट इज क्लियर बच्चों अभी तक हम लोग पूरी तरीका से ये चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा और ये काफी ही टाइम टेकिंग चैप्टर था बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर किए होप इट इज क्लियर टू एवरीवन मजा आया पढ़ने में बच्चों ओके थैंक यू एवरीवन